महू में जहां पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मन रहा है, तो वहीं इंदौर जिले की महू जनपद पंचायत के आदिवासी बाहुल्य मानपुर टप्पे के काली किराय पंचायत की ग्राम मजरा मली में आजादी के 75 वर्ष बाद भी विकास की मूलभूत आवश्यकता सड़क तक नहीं बन रही। यहाँ गांव के बीच में नदी बहती है, जिसमें बारिश में पानी आ जाने से ग्रामीण बीमार होने पर या फिर कोई महिला को प्रसूति के लिए सड़क नहीं होने के कारण मरीज को उपचार के लिए घटिया पर लेटकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाते हैं, क्योंकि सड़क नहीं होने के कारण यहां तक एम्बुलेंस का पहुंचना संभव नहीं है। वहीं किसी की मृत्यु भी हो जाने पर शव को खटिया पर ले जाकर अंतिम संस्कार करना पड़ता है। महू जनपद पंचायत में 20 किलोमीटर दूर मानपुर टप्पे से 4 किलोमीटर दूर लगभग 300 से 400 की आबादी वाली काली किराए के ग्राम मली मजरा गांव में आजादी के बाद से मुख्य मार्ग को जोड़ने वाली सड़क नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि नेता केवल चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं, बाकी 5 वर्ष तक मुंह दिखाने भी नहीं आते। हर बार हमारे गांव के लिए चुनावी वादे केवल चुनाव में ही करते हैं। इस बार यदि पहुंच मार्ग गांव तक नहीं बना तो ग्रामीण चुनाव का बहिष्कार करेंगे। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री हेमंत पाल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पत्र लिखकर समस्या का समाधान करने की मांग की है, जबकि महू जनपद अध्यक्ष सरदार मालवीय का कहना है कि जहां सड़क बनना है वह भूमि वन विभाग की आधिपत्य में है, वन विभाग जब तक परमिशन नहीं देता सड़क बनना संभव नहीं है। मंत्री उषा ठाकुर ने इसके लिए वन विभाग से चर्चा कर रखी है, जल्द DPR तैयार कर ग्रामवासियों को सड़क की सौगात दी जाएगी। महू से श्याम खांडेकर की रिपोर्ट। साथ नाम है मेरा, ग्राम मल्ली का निवासी हूँ। हमको रास्ते से लगा के हर चीज़ों से परेशानी लेना पड़ता है, पहाड़ी चढ़ना पड़ता है, उधर जाते हैं तो एक दो नदी पार करना पड़ता है, जिसके बाद में इधर से भी कोई हमको दुख तकलीफ रहती है तो पहाड़ी पे तोक के चढ़ाना पड़ता है, कोई खटिया पे तोक के चढ़ाना पड़ता है, और जिसके बाद में हम गाड़ी घोड़े भी लेके जाते हैं तो क्या रास्ते में बिल्कुल कीचड़ कीचड़ रहता है, कीचड़ से हमको परेशानी लेना पड़ता है, गाड़ी भी नहीं निकल पाती है मोटरसाइकिल, और पैदल भी जाते हैं तो परेशानी रहती है। आपका नाम? पंकज गिरवाल। पंकज जी, क्या तकलीफ आपके गांव में? हमारे गांव में रास्ता नहीं होने के कारण हमारे गांव के लोग वोट देने से भी मना कर रहे हैं, और अगर रोड नहीं बनेगी तो क्या करोगे? हम कोई चुनाव में वोट नहीं देंगे, कोई को भी सरपंच या विधानसभा चुनाव। क्यों नहीं बन रही रोड इतने दिनों से, और कल कल आपके गांव में क्या हुआ है? महू क्षेत्र की विधायक उषा ठाकुर को भी कई बार पत्र दिए है, उसके बाद भी हमारे यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। मालवीय जी, मानपुर टप्पे के कालीगराय पंचायत के मली मजरा ग्राम में ग्रामवासियों को खटिया पर ले जाकर अस्पताल ले जाना पड़ता, क्या पूरा मामला? एक्चुअली वो हमारे ग्राम पंचायत के टप्पा गांव है, एक्चुअल में टप्पा गांव एक्चुअली वो भी वन विभाग की जमीन पर है, वन विभाग के कारण वहाँ परमिशन नहीं मिल पाती है हम लोगों को रोड बनाने की, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। परमिशन के लिए दिया है और उसका प्रपोजल भी बना हुआ है, अगर परमिशन हो जाएगी तो रोड जल्दी बना दी जाएगी। ग्रामवासियों का कहना है कि अगर रोड नहीं मिली तो इस बार वोट नहीं दिया जाएगा। नहीं, हम लोग प्रयास में है कि बन जाएगा उनका रोड, एक्चुअली परमिशन का इशू है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं बनाने में। तो वन विभाग क्या क्यों नहीं दे रही? वन विभाग में ही बसा हुआ है एक्चुअली वो गांव, तो वन विभाग एक्चुअली उनके गांव अंदर जमीन में क्यों बनाने देना चाहता है, इसलिए परमिशन के लिए दीदी भी खुद प्रयासरत है, जल्दी है उसका निराकरण हो जाएगा। पाल साहब, आपने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है, क्या लिखा है और क्या मांग करी ग्रामीणों के लिए? मैं विगत 25 वर्षों से इस गांव की समस्या को लेके हमारी सरकार के अंदर भी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर ही कई बार इस गांव मली मजरा जो गांव है कालीकराय ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है, इस गांव की स्थिति यह है, इस गांव के अंदर ना तो रोड है, यदि कोई व्यक्ति बीमार यदि हो जाता है तो उसको खटिया पर डाल के मानपुर तक ले जाना पड़ता है, खटिया से पहले घाट चढ़ना पड़ता है, घाट चढ़ के रोड पर रहना पड़ता है, रोड के बाद फिर कोई वाहन करके और जाना पड़ता है, एम्बुलेंस भी वहाँ पर रोड नहीं होने के कारण एम्बुलेंस की कोई सुविधा वहाँ पर जाती नहीं है, कल भी एक अधिकारी भी वहाँ नहीं जाते हैं। कल भी एक बुजुर्ग व्यक्ति की बहुत ज्यादा तबियत खराब होगी, उसको सेवा पिता लाल जी करके हमारे यहाँ का गाँव का 50 वर्ष की उसकी उम्र है, उसकी बहुत ज्यादा तबियत खराब होने के कारण उसको पानी के अंदर से गाँव के लोग खटिया में डाल के और उसको लेके और अस्पताल जाती है, पहला मामला नहीं है। यदि कोई महिला का यदि डिलीवरी का मामला है तो कई बार तो ऐसा होता है कि डिलीवरी अस्पताल के जाने के पहले ही उसका प्रसव हो जाता है। यहाँ पर मूलभूत सुविधा के नाम पे केवल एक स्कूल प्राथमिक शाला है, उसके अंदर भी एक टीचर है, एक टीचर भी वो पानी के अंदर जाएगा कैसे? संभव तो नहीं है कि जाएगा,
बच्चों के भविष्य का मामला है, बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उनके भविष्य का, वो तो ठीक ठीक है, पर यदि कोई ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति को कोई भी जरूरी काम अचानक यदि पड़ जाता है तो वो 7 किलोमीटर कैसे जाएगा। बारिश में तो उसकी स्थिति है कि नदी आप जाके देखें, नदी इतनी भूर है कि केवल यही लोग जा सकते हैं, आप और हम तो वहां जा ही नहीं सकते, जिनको तैरते आता है वो घुस सकते हैं। महिलाओं को परेशानी है, बच्चों को परेशानी है, और इस गांव के साथ एक बार नहीं, आजादी के बाद से आज तक यहां पर